बोलती आंखें बंद हो गई। जी हाँ, आज के इस चर्चा की शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायलॉग, आनंद फिल्म का डायलॉग, जिसमें कहा गया है कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए, और यही साबित किया है इरफान खान ने। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आपके साथ। जिस वक्त देश एक महासंकट से जूझ रहा है और उसी बीच महानगरी, सपनों की महानगरी मुंबई से दिल तोड़ने वाली बड़ी खबर सामने आई। अपनी अदाकारी से जादू करने वाले अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। इरफान के निधन की खबर सामने आने के बाद हर कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा है, और अब सोशल मीडिया पर भी जो सेलिब्रिटीज हैं और जो राजनेताएं हैं वो लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अरविंद केजरीवाल, हर किसी ने अपनी ओर से इरफान खान को श्रद्धांजलि दी है। तो इरफान खान, जिनका नाम लोगों की जुबान पर रटा हुआ है, आज हर कोई इस बात से बहुत आहत है कि इरफान अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त रेडियो जो कि राहुल माकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कई रेडियो शोज कर चुके हैं, और इरफान खान के साथ भी उनका एक इंटरव्यू रहा है जिसमें उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्हें करीब से जाना। राहुल जी, बहुत बहुत इस वक्त स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। राहुल जी, आप इरफान खान से मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें जान चुके हैं पर्सनली, क्या कहेंगे आज इस पल पर जब सभी दुखी नजर आ रहे हैं? ये एक बहुत ही सैड मोमेंट है मेरी लाइफ का भी, क्योंकि मैं अभी परसों ही उनकी एक फिल्म जो रिसेंटली रिलीज हुई थी अंग्रेजी मीडिया को देख रहा था, एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई न्यू कि वो एक लाइफ में एक ऐसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत मुश्किल है उनका अभी सर्वाइव कर पाना, बट ये नहीं पता था कि इतना जल्दी ऐसा हो जाएगा। सो ये थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया था द मोमेंट आई रेड हिज ट्वीट, जब उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के जो प्रमोशंस हो रहे थे उस वक्त उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं इन प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, उन्होंने लोगों से माफी मांग ली थी। उस टाइम जब आजकल के जमाने में जब अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स भी अपनी सभी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, इरफान अगर अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इसका साफ रास्ता देखा कुछ ना कुछ बहुत हेल्थ इशू ऐसा है जिससे जूझ रहे हैं। राहुल जी आप उनसे मिले हैं, आपने उनसे मुलाकात की है, और जब हम बात करते हैं कि काम तो हमेशा याद रहता है आपके जाने के बाद, क्योंकि जब हम इरफान खान की बात करते हैं तो उनके जाने के बाद उनका काम सबके दिलों में बसा हुआ है, इसीलिए आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन एक शख्सियत के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर, आपके नेचर के तौर पर लोग आपको कितना याद करते हैं वो बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप उनका नेचर जानते हैं। मैं जितना उनसे मुलाकात हुई है, जितना इंटरेक्शन हुआ है, आपको बता दो पिछले साल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, एंड तकरीबन आधे पौने घंटे का एक इंटरव्यू हुआ था, एंड ही वाज सच एन अमेजिंग पर्सनालिटी, वो ज्यादा बोलते ही ना, बहुत कम, he's a man of very few words, तो जब उनसे पूछा जाएगा वो तभी बोलेंगे, एक्स्ट्रा कभी नहीं बोलेंगे, बहुत कम बोलते हैं, but his eyes are like so deep, उनकी आंखें इतनी, उनकी आंखों से ही हम सब कुछ ऐसे ही जान लेंगे, वो जो भी कहना चाहते हैं, तो उनकी आंखें बहुत डीप हैं, उनके एक्सप्रेशन बहुत सटल हैं, और मतलब ऐसा लगता है एक तराशा हुआ एक्टर आपके सामने बैठा है, और आप जैसे सवाल पूछेंगे कट टू कट उस सवाल का उतना ही आंसर मिलेगा, कुछ बहुत एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन नहीं। मैंने एक सवाल करीब करीब सिंगल ये फिल्म उनकी रिलीज हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा था, उसमें एक डायलॉग था कि खतरनाक इश्क, मैंने उनसे पूछा खतरनाक इश्क क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर तो इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे सबक याद नहीं हो सकता, तो ये बहुत खूबसूरत लाइन हुई थी और मुझे आज तक वो याद है। इनफैक्ट अभी मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल भी रहा था, मैंने उस इंटरव्यू का एक हिस्सा अपने इंस्टाग्राम पे, आप अभी जाएंगे तो आपको मिलेगा, राहुल माकिन वन ये मेरा प्रोफाइल है, आप जाएं, वो इंस्टाग्राम पे मैंने वो इंटरव्यू का एक हिस्सा डाला है, वहाँ पे वो कह रहे हैं एनीथिंग के जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो आप बिल्कुल एज इट इज अपनी स्क्रीन पे नहीं ला सकते, बट उनकी जो बेस्ट चीज थी वो ये कि आप उनसे जो जो भी बोलेंगे करने को, मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ,
बट मुझे उनसे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी, हमें उनसे बुलवानी थी, तो मैंने उनको बोला ये बोल दीजिए। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस एक्सप्रेशन में चाहते हैं इसे बुलवाना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझसे भी 30 साल बड़ा एक्टर और इतना एक्सपीरियंस एक्टर मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं कि ये कैसे बोलना है। तो उनकी जो वो जो हम्बलनेस थी, उनकी कितने ग्राउंडेड एक्टर हैं, कितने डाउन टू अर्थ एक्टर हैं, सबको पता है कि बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, फिर भी वो एक एक चीज आपसे पूछ के करते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही करते हैं। तो ही गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब वो इंसान जो स्क्रिप्ट से ऊपर उठ के एक्टिंग करता है, मतलब स्क्रिप्ट के डायलॉग के जो थॉट को पढ़ के उसको डिलीवर करता है, ये वो इंसान है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द होल इंडस्ट्री। बिल्कुल, पूरी इंडस्ट्री को जो इतना बड़ा इस वक्त नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि हर कोई इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए, देखिए कोरोना काल में अभी सभी जानते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले अभी इरफान खान की माँ भी चल बसी थी, जिनका दुख उन्हें बहुत ज़्यादा था, वो उनसे मिल नहीं पाए थे कोरोना के कारण ही। और आज फिल्म इंडस्ट्री जो शोक है, जो श्रद्धांजलि है, वो सोशल मीडिया के जरिए ही देती नजर आ रही है। और देखिए, बच्चे बच्चे की जुबान पर इरफान खान का नाम है, उनकी फिल्में हर कोई देखता है, हर कोई पसंद करता है, उनकी कॉमेडी हो, उनका नेगेटिव रोल हो, हर एक चीज। देखिए, इनका सबसे बेहतरीन जो जो इनका पॉइंट है वो ये कि वो एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, चाहे वो पीकू जैसी लाइट हार्टेड फिल्म हो, या वो पान सिंह तोमर जैसी इतनी ह्यूज फिल्म हो जिसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी और एक्टर कर सकता। आपने पान सिंह तोमर देखी होगी, ये वो फिल्म है जो जो बीहड़ में शूट हुई है, जो चंबल की घाटी में शूट हुई है, जहाँ कोई एसी नहीं है, जहाँ आपको मैदानों में शूट करना है, जहाँ आर्मी कैंप पे शूट करना है, महीनों महीनों लग गए, 1.5-2 साल सिर्फ इसकी तैयारी में लग गया। मकबूल जैसी फिल्म, हासिल जैसी फिल्म, लंच बॉक्स जैसी फिल्म, एक एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। मैं आपके जरिए ये व्यूज तक पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि ये फिल्म मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैवंट सीन दिस मूवी। 2013 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है किस्सा, किस्सा द स्टोरी ऑफ अ लोनली घोस्ट। ये इरफान की एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, इसमें ये एक सिख बने हैं और पार्टीशन के टाइम की ये फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है, मैं चाहूंगा प्लीज आप इसे देखें, हॉटस्टार पे अवेलेबल है, और एक तरह से आपका भी ट्रिब्यूट होगा टुवर्ड्स इरफान। एंड मैं ये नहीं चाहूंगा कि अब आप शोक मनाएं, बिकॉज ही इज एन अमेजिंग एक्टर। हमारा नुकसान है, ऊपर वाले का फायदा है, ऊपर वाले ने ऊपर बुला लिया है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनके उनका एक प्लान होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे इस मोमेंट पे, क्योंकि हम सारे घर पे हैं, तो इसे एज ए ट्रिब्यूट हम लें, और आपको जो इरफान की बेस्ट फिल्म लगती है आप घर बैठ के देखें, और उसमें मेरी कोई डायलॉग, कोई गाना जो आपको अच्छा लगता है, अपने सोशल मीडिया हैंडल से थ्रू उसे सर्कुलेट करें। बिल्कुल, राहुल माकिन जी, आपने इतनी सारी फिल्मों का जिक्र किया, आपने बताया कि कौन कौन सी फिल्में सबसे लाजवाब रही, लेकिन उनकी हर एक फिल्म, अभी हम हाल ही में आई हिंदी मीडियम की अगर बात कर लें, तो एक संदेश तो देती ही है, लेकिन जब वो डायलॉग बोलते हैं, उनके एक्सप्रेशंस इतने लाजवाब होते थे कि उनकी आंखों से उस डायलॉग का अंदर तक पहुंच जाना अपने आप में साबित होता था। उनकी आंखें ही, आई थिंक उनकी जो एक्सप्रेशन में सबसे बेहतरीन जो जो उसका हिस्सा है वो उनकी आंखें हैं। बहुत डीपली आई थिंक वो एक डायलॉग को पढ़ते थे, और फिर जो उस डायलॉग के पीछे का थॉट था ना, वो उसको डिलीवर करते थे अपनी आंखों के जरिए। एक तो होता है कि आप अपने जो आपको डायलॉग दिया है बोलने को, आप बोलेंगे, दूसरा है कि आप उसे बोलते समय आंखों से कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो आई थिंक उस स्क्रिप्ट के उस डायलॉग को 200-300% और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। और शायद इसी वजह से डायरेक्टर्स की बहुत बहुत बड़ी पसंद इरफान रहे हैं। आई थिंक 2018 के बाद से वो बहुत कम अवेलेबल रही हैं, क्योंकि तब से उन्हें ये रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर हो गया था 2018 से, तो वो इतना ज्यादा एक्टिवली फिल्मों में नहीं काम कर पाए। बट बहुत सारे डायरेक्टर्स का ये अधूरा सपना रह जाएगा कि मुझे इरफान के एक ना एक फिल्म में लेना था। बिल्कुल, और हमने लंच बॉक्स में भी देखा था कि जो एक्ट्रेस थी निमृत, उनका भी ये कहना था कि मैं इतने सीनियर एक्टर के साथ जब एक्टिंग कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें रही, हालांकि बहुत कम मेरा समय उनके साथ बीता, लेकिन फिर भी लाजवाब रहा ये पल। ऐसे में राहुल माकिन जी, जब आप उनसे मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें अच्छे से जाना, क्योंकि कुछ ही देर वैसे तो आपने उनके साथ बिताए, लेकिन उनकी फैमिली को लेकर या फिर उनके नेचर को लेकर क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? देखिए,
बेस्ट पार्ट आई लव्ड अबाउट हिम वाज कि उनके साथ उनके जितने भी को स्टार्स होते हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, वो उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। अगर जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा जो जो उनके साथ बैठे हैं उनको उसका आंसर नहीं आता है तो वो बीच में जंप कर जाते थे और वो उसे टेक ओवर कर लेते थे और उसका बहुत खूबसूरती से आंसर करते थे। एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज उन्होंने बहुत उनका जो बैकग्राउंड है एक्टिंग का, उन्होंने कई लोग सिर्फ एक्टिंग देख के एक्टर बनते हैं, ये वो इंसान है जो एक्टिंग सीख के एक्टर बना है। एनएसडी में ये इन्होंने पढ़ाई की है। एंड मैं आपको एक किस्सा इसमें सुनाना चाहूंगा। दिग्वांशु धूलिया ने मुझे बताया था, दिग्वांशु धूलिया का मैंने एक बार इंटरव्यू लिया था और इस इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में इरफान के जो सबसे आई थिंक बेस्ट फ्रेंड जो है वो दिग्वांशु धूलिया है। उनके साथ उन्होंने सबसे अच्छी फिल्में की हैं, हासिल है, पान सिंह तोमर है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छी अच्छी हैं, स्पाई ब्यूटी गैंगस्टर है। तो एक टाइम था जब जब इरफान बिल्कुल हताश हो गए एंड उन्हें सिर्फ चंद्रकांता, ऐसे ऐसे सीरियल्स, चाणक्य, ऐसे सीरियल्स मिल रहे थे और कुछ केबल टीवी के सीरियल्स मिल रहे थे बट जो वो करना चाहते थे वो उन्हें नहीं लगा। तो वो थक गए, वो वापस दिल्ली आना चाहते थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उन्होंने दिग्वांशु को बोला अब जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला है तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो दिग्वांशु धूलिया ने कहा कि कुछ फिक्र मत करो, मैं एज ए डायरेक्टर आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको एक ना एक दिन नेशनल अवार्ड पक्का दिखाऊंगा। तो और वो उन्होंने सच करके दिखाया, पान सिंह तोमर के थ्रू उन्हें नेशनल अवार्ड मिला एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने दिग्वांशु धूलिया ने उन्हें रोका एंड उन्होंने अपना, उनके पास एक स्कूटर होता था उसको, वो भी उन्होंने बेच दिया ताकि इरफान के पास पैसे नहीं थे, उन पैसों से इरफान थोड़ा सा और वहां पे सस्टेन कर पाए। और बस उसके बाद आई थिंक जो सबसे पहली सब्सटैंशियल हिंदी फिल्म जो जिससे वो नजर में आए थे वो भी दिग्वांशु धूलिया ने ही बनाई थी, वो थी हासिल। और उसके बाद से वो लोगों की नजर में आ गए थे, सबको समझ आ गया था कि ये इंसान है ये बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल, और ऑलरेडी पहले ही आ चुके थे, हॉलीवुड तक उनका नाम जाना जाता है और आज बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड के लोग हैं जो उनको याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राहुल माकिन जी, क्योंकि आपकी जो पोएट्री रही है वो भी बहुत ज्यादा जानी जाती है तो आज पोएट्री के जरिए ही एक संदेश आपसे जरूर, खासतौर पर इरफान जी के नाम एक शेर जरूर कहना चाहूंगा कि ये उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जी जी जी, जब मैं उनसे मिला था तो उन्हीं की फिल्म का एक डायलॉग उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि मेरा शो है फीवर एफएम पे आता है प्यार का पंचनामा रात को 9 से 12, मैंने उनसे पूछा था कि मेरे शो के लिए आपको ये एक लाइन बोलना चाहेंगे तो उन्होंने बहुत प्यारी लाइन बोली थी, उन्हीं की फिल्म से है जज्बा से, कि रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, मैं आज भी अपने शो पे चलाता हूँ और इनफैक्ट आज रात को भी जरूर चलाऊंगा। तो बात करते हैं उस पोएट्री की, तो एक बहुत बेहतरीन दो लाइन है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में। क्या बात है राहुल माकिन जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती समय हमें दिया और खासतौर पर इरफान खान की पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कई ऐसी चीज़ें हम तक पहुंचाई हैं जो हमारे दर्शक भी इस वक्त लगातार देख रहे हैं।